क्या आपको पता है कि भील का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए काफी अधिक उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको भील के स्त्रीलिंग शब्द के बारे में बड़ी ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अधिक समय न लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सबसे पहले बता देते हैं कि दोस्तों, जिस किसी शब्द के रूप से यह जान लिया जाए कि यह व्यक्ति या वस्तु स्त्री जाति का है या फिर पुरुष जाति का है, तो उसे हम लिंग कहते हैं। और वह शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है, और वह शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि भील का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। तो दोस्तों, अगर भील के स्त्रीलिंग शब्द की बात की जाए तो वह भीलनी होगा। यानी दोस्तों, एक बार जरा ध्यान से सुनिए कि भील का स्त्रीलिंग शब्द भीलनी होता है, और यहां पर भील एक पुल्लिंग शब्द होता है और वहीं पर भीलनी एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। इसके अलावा दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि दोस्तों, भील एक तरह की जाति होती है, और इस जाति का जो पुरुष है उसे ही भील कहते हैं, और वहीं पर इस जाति की जो मादा होती है उसे भीलनी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि भील का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। यानी दोस्तों, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर भील के स्त्रीलिंग शब्द की बात की जाए तो वह भीलनी होगा। यानी दोस्तों, एक बार जरा ध्यान से सुनिए कि भील का स्त्रीलिंग शब्द भीलनी होता है, और यहां पर भील एक पुल्लिंग शब्द होता है और वहीं पर भीलनी एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, यानी दोस्तों आपको भील का स्त्रीलिंग शब्द वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।